पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डोंगा जियोन से कह रहा है कि प्लीज मुझे छोड़कर उसके पास मत जाओ, लेकिन जियोन तो डोंगा की इस बातों का रिप्लाई नहीं देती है, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका दिल सच्ची मोहब्बत किससे करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगा एंड जियोन ऑफिस जल्दी जाते हैं, ये सोचकर कि देर से जाने पर इन्हें फिर से एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। ऑफिस पहुंचकर भी ये लोग एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से नजरें फेर रहे होते हैं। गियोंगसिक रेस्टोरेंट में शिहुन एंड जियोन की एक साथ वाली पिक्चर डोंगा को दिखाते हुए कहता है कि मैंने 5 सालों में मिस जियोन को ऐसे हंसते हुए कभी नहीं देखा। ये सुनकर तो डोंगा को एक बार फिर बहुत बुरा लगता है। इधर शुकी भी सीओ को ये पिक्चर दिखाकर तीर का तार बनाते हुए कह रहा है कि इस पिक्चर में फोटोग्राफर शिहुन जिस तरह से मिस जियोन को देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जियोन को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सुकी की ट्रिक्स यहाँ नहीं चलती। सीओ उसे अप्रिशिएट करने के बजाय डांटते हुए कहने लगते हैं कि ऐसी धक्यानुसी बातें मेरे सामने मत किया करो। सुकी तो जियोन को ऑलरेडी विच लेडी समझता है और ऊपर से सीओ ने भी उसे जियोन की ऐसी पिक्चर्स लेने के लिए डांटा, इसलिए सुकी को जियोन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जियोन की मॉम तो आए दिन अटपटी हरकतें किया करती है और आज भी जब जियोन ऑफिस से घर लौटती है तो उसकी मॉम उसके घर पर आकर बहुत सारे डिनर प्रिपेयर करती है और डोंगा एंड सोचियोल को भी डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिससे एक बार फिर जियोन एंड डोंगा एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। डिनर करने के बाद जियोन की मॉम एंड सोचियोल अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं और डोंगा एंड जियोन अकेले होते हैं। जब से डोंगा ने जियोन को अपनी फीलिंग्स बताई है तब से ये दोनों ही एक दूसरे को फेस करने में अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं, क्योंकि इन दोनों को पता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन शिहुन के आ जाने से इन दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं है। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपती है कि फोटोग्राफर शिहुन वापस से अफ्रीका जा रहे हैं। न्यूज़ सुनकर जियोन को लग रहा होता है कि शिहुन एक बार फिर अपने मन की करने को अफ्रीका जा रहा है, इसलिए वो सीधे शिहुन के घर जाकर उसे काफी गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि शिहुन आप 6 साल पहले जैसे थे आज भी आप वैसे ही हैं। आपको बस खुद के बारे में ही सोचना है, आपने डिसाइड कर लिया अफ्रीका जाने की और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। शिहुन भी जियोन की सारी बातों को सुनने के बाद उसे कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, बल्कि उसके सेक्रेटरी जेही ने जियोन एंड शिहुन को दोबारा से दूर करने के लिए ये सब न्यूज फैलाया है। इसी दौरान जियोन थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद शिहुन उसे हग कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि 6 साल पहले इनका बॉन्ड इनका प्यार बहुत गहरा था, जिसका असर इन दोनों पर आज तक है। अब घर जाकर जियोन डोंगा से अकेले में बातें करने की डिसाइड करती है और डोंगा से मिलकर उसे फाइनली कह देती है कि उसने और शिहुन ने आज एक दूसरे को हग किया और अब से शिहुन और उसके बीच सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब डोंगा को भी जियोन को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जियोन तो ये सारी बातें कहते वक्त बहुत उदास होती है, लेकिन डोंगा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जियोन को किसी और का होते हुए देखना तो नहीं चाहता है, बट जियोन अगर शिहुन के साथ खुश है तो वो भी जियोन एंड शिहुन के बीच अब नहीं आएगा। नेक्स्ट डे शिहुन कंपनी में आता है, जिसके बाद सब लोगों को मालूम चलता है कि शिहुन एंड जियोन अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साथ ही शिहुन अब से अपनी मैगजीन के लिए ट्रबल मेकर कंपनी के साथ ही काम करेगा। शिहुन तो काफी खुश है कि वो और जियोन एक दूसरे को वापस से डेट करना शुरू कर रहे हैं और शिहुन के सारे मैगजीन्स के फोटो के लिए भी आर्टिकल जियोन ही लिखेगी। इधर रिनजी योनजा से सोचियोल के बारे में पूछ रही है, क्योंकि रिनजी को सोचियोल के जैसा लड़का बहुत पसंद है, मतलब अब रिनजी सोचियोल में इंटरेस्ट दिखा रही है। अब पूरा दिन साथ में घूमने के बाद शिहुन जियोन को छोड़ने जियोन के घर आया है और इसी वक्त सीयुन गलती से उस अलार्म के पिन को नीचे गिरा देता है जो डोंगा ने जियोन को ये कहते हुए दिया था कि अगर इस अलार्म को जियोन कभी भी बजाती है तो डोंगा समझ जाएगा कि जियोन किसी मुसीबत में है। और अब जब गलती से ये अलार्म सीयुन से बच चुकी है तो डोंगा भी फौरन भागा भागा आता है, लेकिन जैसे ही डोंगा शिहुन को जियोन के घर पर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शिहुन को भी ये बात नहीं अच्छी लगती है कि डोंगा जियोन के सामने वाले घर में ही रह रहा है। वैसे भी डोंगा एंड शिहुन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि उनमें से किसी एक को ही जियोन पसंद कर सकती।
जियोन तो धीरे धीरे डोंगा से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे डोंगा को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। इसलिए वो अगले दिन ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन लेटर सीईओ को देता है। डोंगा नहीं चाहता है कि जियोन उसे दूरियां बनाने के लिए कुछ भी करे। वो खुद ही ऑफिस छोड़ देगा ताकि जियोन उसे देखकर और अनकंफर्टेबल नहीं हो। जियोन को जैसे ही मालूम होता है कि डोंगा जॉब से क्विट करके जा रहा है, तो वो अकेले में डोंगा को कहती है कि वो इस तरह से जॉब को ना छोड़े। लेकिन डोंगा भी कहता है कि प्लीज मुझे मत रोके, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि जो भी हो रहा है उससे मैं बहुत तकलीफ में हूँ। डोंगा के ऐसे जाने से सुकी को तो लग रहा है कि जियोन एक विच लेडी है, उसने डोंगा को बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया है, जिसे डोंगा हार कर जॉब छोड़ रहा है। युंजा को तो बहुत बुरा लग रहा है कि डोंगा, जिसे वो बहुत पसंद करती है, उसे अब वो ऑफिस में नहीं देख पाएगी। इनफैक्ट युंजा ने तो अभी अपने दिल की बात भी डोंगा को नहीं बताई थी। इधर सोजियोल डोंगा के अपसेट मूड को ठीक करने के लिए उसे बार में ले जाता है। बार में आई हुई लड़कियां तो डोंगा से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन डोंगा की दुनिया तो जियोन में है। वो अकेले बैठकर भी ड्रिंक करते हुए बस जियोन को ही मिस कर रहा है। इधर जियोन भी शियोन के कहने पे उसके साथ डिनर पर उसी जगह आई हुई है जहाँ 6 साल पहले वो और शियोन अक्सर आया करते थे। लेकिन जियोन भी शियोन के साथ होकर बस डोंगा के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही है। डोंगा तो ड्रिंक करके पूरी तरह से टल्ली हो चुका है। ये पहली बार हुआ है कि डोंगा ने इतनी पी है कि वो अपने होश में ही नहीं है। नशे में वो बस स्टॉप पर जाकर शियोन के पोस्टर को देखकर उस पे गुस्सा निकालता है, तो कभी कहने लगता है कि तुमने मेरे जियोन को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डोंगा की हरकतें इतनी फनी होती हैं कि आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं। डोंगा नशे की हालत में बस स्टॉप पे ही सो जाता है, जिसे पुलिस आकर डोंगा के फोन से जियोन को कॉल करती है और डोंगा को बस स्टॉप से ले जाने के लिए कहती है। जियोन भी फौरन बस स्टॉप पर आती है। अब ये लोग साथ में घर जा रहे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई भी बातें नहीं होती हैं। ये लोग खामोश ही होते हैं और एक पुरानी मेमोरी को याद कर रहे होते हैं, जिसमें इसी सड़क पे चलते वक्त कभी ये लोग खुश थे और एक साथ थे। घर पहुंचते ही जियोन को शिहुन का कॉल आता है। डोंगा को भी बुरा फील होता है, जिसके बाद डोंगा घर की ओर जाने लगता है। इसी वक्त जियोन उसे रोककर वापस से कहने लगती है कि वो जॉब को छोड़कर ना जाए, लेकिन इस बार डोंगा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जियोन पे थोड़ा गुस्सा कर कहने लगता है कि मिस जियोन, आपको तो आपका प्यार मिल गया है और मैं जब अपनी फीलिंग्स के लिए आपसे दूर जाना चाहता हूँ तो आप मुझे रोक रही हैं। आखिर मैं आपके लिए हूँ क्या? क्या आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे आपको और शिहुन को एक साथ देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है? जियोन भी कहती है कि डोंगा, तुम बहुत यंग हो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, किसी और को पसंद कर सकते हो। इस बात पर डोंगा भी कहता है कि आप मुझसे सिर्फ एज गैप की वजह से दूर जा रही हैं? क्या कोई ऐसा लॉ बना है कि 25 इयर्स का लड़का 39 इयर्स की वुमन को पसंद नहीं कर सकता? इसी सीन के साथ एविज रोमांस की पार्ट 8 खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।